लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर एक लंबी राजनीतिक पारी रमेश राम जी ने खेली है। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ और आज वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने बोचा उपचुनाव में डॉक्टर गीता कुमारी पर विश्वास जताया है चुनावी मैदान में होंगी। सबसे पहला सवाल तो हम लेंगे, पिता ने लंबी राजनीति पारी खेली और आज जो कुछ हुआ एक पुत्री के नज़र के सामने कैसे देख रही हैं डॉक्टर गीता कुमारी? ये हमको बर्दाश्त से बाहर है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस अपमान को। मेरे पिताजी को जो अपमानित किया उसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए हम बिहार की क्या पूरे देश की महिला को आगाह करते हैं कि ऐसे राजनीतिज्ञ से सावधान हो जाए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बताया जा रहा है? नहीं, एकदम नहीं, मुख्यमंत्री लायक ही नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं लायक नहीं है। जब आदमी को महिला को सम्मान लेके मुख्यमंत्री क्या करेंगे, जब इस साधारण पोस्ट पर रखे आदमी को रक्षा नहीं कर रहे, बेइज्जत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री करके क्या करेंगे, बिहार को बेच देंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव, इन लोगों की अगर हम बात करें तो आपसे कोई बातचीत हुई थी? पिताजी ही बतिया है, अपना उस दिन गए लेकिन हम नहीं चुनाव लड़ेंगे से बेटी लड़ेगी, तो राबड़ी देवी बोली जी कि हाँ ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ, आज आप लोगों को बुलाया गया? हाँ बुलाया गया, परसों शाम में मेरे पिताजी बात किए तेजस्वी जी से, तो बोले ठीक है परसों आइए, तो बोले ठीक है आज आए तो अंदर नहीं जाने दिया गया, उससे बैठिए सिक्योरिटी गार्ड के रूम में, तो हम लोग वहाँ बैठे। उसके बाद थोड़ा देर भोला यादव कहते हैं कि अमर जी तो ले गए टिकट। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जब आप बैठी थी मुकेश सहनी जी, क्योंकि दिल्ली से पटना आ रहे थे वक्त था, तो उस बीच क्या किसी राजद के बड़े नेताओं का फोन आपके पास आया या रमेश राम जी के पास आया कि घर वापस आइए मिल बैठ कर बात करते हैं, ऐसा कुछ फोन कॉल आया? नहीं, ऐसा कोई कॉल नहीं आया। अच्छा, अब चुनावी मैदान में आपको आगे किया गया है, मुद्दे क्या होंगे डॉक्टर गीता कुमारी के, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? महिला सुरक्षा और जो समस्या है क्षेत्र का उसको देखेंगे। एक तरफ अमर पासवान भी चुनावी मैदान में होंगे, बेबी कुमारी भी चुनावी मैदान में होंगी और विकासशील इंसान पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, कितने कड़ी लड़ाई से मानते हैं? हाँ, इधर त्रिकोणीय लड़ाई होगा। बेबी कुमारी कितने मतों से जीत जाएंगे, दावा तो कर रही है? उधर जीतेंगी नहीं आज लिख लीजिए। हाँ, क्योंकि क्षेत्र में उनको कोई चाहता नहीं, पाँच साल रह के खाली ठगी है, सब फंड को मानुसर का फंड कहाँ लेके चली है कोई पता नहीं है। आप कितने मतों से जीतेंगी, अब चलिए आप अपना तो बता दीजिए। हम अब ये कैसे करें, नहीं दावा नहीं, जनता जनता फैसला करेगी, हम तो कहेंगे हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ना विश्वास करेंगे, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है हम जीत जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल लीजिए, क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी है आपके साथ क्षेत्र में जाने के लिए, आज के दिन तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे ऑन कैमरे पर, क्योंकि चुनावी मैदान में आप जा रही हैं, क्या कुछ कहकर तेजस्वी यादव को जाएंगे, क्योंकि जो कुछ आपके साथ हुआ रमेश राम जी के साथ हुआ, उसके बाद आखिरी जो बात है तेजस्वी यादव से आप क्या कहेंगे? हम तेजस्वी यादव से यही कहेंगे कि इस जो घटना है मेरे साथ हुआ है, ये आगे भविष्य में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। देखिए, अब बोछा उपचुनाव में डॉक्टर गीता कुमारी दमखम झोंकेंगी और जनता के बीच रहेंगी, दावा ठोक चुकी हैं, हालांकि साफ लफ्जों में कह रही हैं कि मत नहीं बताएंगे कि कितने मतों से जीतेंगे, मगर जीत सुनिश्चित है और जो कुछ हुआ, जो कुछ तेजस्वी यादव ने किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं है और इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। खैर, लाइफ स्टीज के साथ बने रहें, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन जैकी के साथ में वसीम, लाइव सिटीज पटना।